सबसे पहले आप इन्हें देखिए। यह टॉम क्रूज, हॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय एक्शन हीरो, खुद अपने आप खतरनाक स्टंट करते हैं, लेकिन कभी कभी टॉम क्रूज नॉर्मल चलते चलते ही लुढ़क जाते हैं। अब आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि इन दोनों वीडियो में फर्क क्या है। पहला वाला सच में टॉम क्रूज है, लेकिन दूसरा वीडियो फेक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जेनरेटेड डीप फेक वीडियो है। अब सब कुछ AI बदल रहा है, आपको पता है, और ये फिल्म की जगत को भी बदल देगा। बिल्कुल ऐसे ही AI से बनी डीप फेक किसी भी एक्टर का बन सकता है और उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है बिल्कुल फ्री में, और ये जल्दी होने वाला है। हॉलीवुड के बड़े बड़े जो स्टूडियो हैं इस वक्त एक्टरों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की कोशिश में हैं, जिससे एक एक्टर एक दिन आके कैमरा के सामने काम करेगा, उसको उस दिन का पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन उसके बाद जीवन भर तक उस एक्टर का चेहरा, उनकी आवाज, उनके हाव भाव, सब कुछ AI रिप्रोड्यूस करेगा। उस एक्टर के बिना ही उनके चेहरे इत्यादि का इस्तेमाल करके स्टूडियो के बॉस पिक्चर बना पाएंगे, उससे मुनाफा कमा पाएंगे। हाँ, स्टूडियो के बॉस बड़े एक्टरों के साथ ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़े स्टार बहुत ताकतवर होते हैं इंडस्ट्री में। इसलिए स्टूडियो वालों की कोशिश क्या है कि इस वक्त जितने भी छोटे एक्टर हैं, कैरेक्टर एक्टर हैं, उनसे जबरदस्ती ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाए। लेकिन दोस्तों, कोई भी अकेला कितना भी कमजोर हो, जब ऐसे बहुत सारे शक्तिहीन लोग एकजुट हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत को घुटने पे ला सकते हैं। यही हॉलीवुड में इस वक्त हो रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा एक्टर स्ट्राइक पर गए हैं, और बड़े बड़े एक्टर भी, नामचीन एक्टर भी इनका इस वक्त साथ दे रहे हैं, जैसे कि जॉर्ज क्लूनी हैं, सुजन सरैंडन, एमिली ब्लंट, मार्क रफालो, इन सभी ने स्ट्राइक का समर्थन किया है। उनका कहना है, और सभी जो स्ट्राइक पर है उनका कहना है, कि स्टूडियो के बहुत स्वार्थी और लालची है, पिक्चर से जो भी मुनाफा होता है सारा का सारा खुद ऐंठ लेना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त है स्ट्रीमिंग सर्विसेज का, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, हॉटस्टार जैसे सर्विस जो हम सब देखते हैं। पहले क्या होता था कि अगर किसी पिक्चर को दोबारा रिलीज किया जाता था या शो को दोबारा रिलीज किया जाता था, तो उससे जो मुनाफा होता था उसका एक भाग सभी एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, सभी को उसका एक भाग मिलता था। लेकिन स्ट्रीमिंग से क्या हो रहा है, एक बार स्ट्रीमिंग सर्विस एक फिल्म को अपलोड कर दे, किसी शो को अपलोड कर दे, तो वही सिस्टम है, वो बैठा रहता है, आप जितनी बार चाहो जब चाहो देख सकते हो उस शो को। इससे स्ट्रीमिंग सर्विस को क्या फायदा हो रहा है कोई नहीं जानता, क्योंकि वो तो सब्सक्रिप्शन बेचते हैं ना। वो सब्सक्रिप्शन एक बार आपको बेच देते हैं तो उसके बाद आप जितने बार देखना चाहते हो उनसे उसका कोई मतलब नहीं है। कौन सा शो, कौन सी पिक्चर, कितने बार आपने देखा है, उनको कोई मतलब नहीं। इससे एक्टर लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपके देखने से उनको इस वक्त कोई फायदा नहीं हो रहा है। और स्ट्रीमिंग सर्विस के मालिक भी ये डेटा रिलीज नहीं करते कि कौन से शो या पिक्चर का कितना व्यूअरशिप है, कितने लोग उसे देख रहे हैं, क्योंकि फिर उनको ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। हॉलीवुड का स्ट्राइक इस पर भी कि स्ट्रीमिंग सर्विस का मुनाफे का भाग उन्हें भी मिले। ये एक बड़ी लड़ाई है जिसमें जल्दी बड़े स्टार भी फंसेंगे, क्योंकि वो लोग एक एक पिक्चर का 100-100 करोड़ ले लेते हैं, जबकि छोटे एक्टरों को बहुत कम पैसा मिलता है। ये चींटी और हाथी की लड़ाई है। अकेला चींटी कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर लाखों चींटी एक साथ आ जाए तो बड़े से बड़े हाथी को वो सबक सिखा सकते हैं।